लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षर, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। सोशल मीडिया पर हम फ्रॉड धोखाधड़ी जैसे मामले आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मंडी हिमाचल प्रदेश से इस वक्त सामने आया है, जहां कुछ शातिर बदमाशों ने सोशल मीडिया को मोहरा बनाकर एक युवक के फेसबुक अकाउंट को हैक कर और बीमारी का झांसा देकर उसके दोस्तों से 65,000 रुपए लिए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पुलिस के अनुसार पंचायत पलोहटा में रहने वाला विक्की नामक युवक फेसबुक पर डोगरा विक्की के नाम से अपना अकाउंट चला रहा था, लेकिन कुछ समय से उसने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया था। बुधवार को विक्की के फेसबुक अकाउंट को शातिरों ने हैक कर लिया और उसकी आईडी से उसके ही दोस्तों को बीमारी की दुहाई के मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। मैसेज कर शातिरों ने विक्की के अस्पताल में दाखिल होने की बात भी कही। शातिरों ने मैसेज में एक पेटीएम नंबर पर दोस्तों से पैसे डालने का आग्रह किया था। दोस्त की जिंदगी और मौत का सवाल मानकर दोस्तों ने झांसे में आकर रातों रात बताए गए पेटीएम नंबर पर रुपए ट्रांसफर कर दिए। सुबह जब युवक विक्की डोगरा को पैसे मिलने या ना मिलने के फोन आने लगे तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत पुलिस थाना बीएसएनएल कॉलोनी में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद मामले को जांच के लिए साइबर सेल मंडी प्रेषित किया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सर्व प्रदेश।